गाइस स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा कि जर्मन शेफर्ड का जो लेग बेंडिंग प्रॉब्लम आता है, जो उसका पैर टेढ़ा हो जाता है, उसे कैसे रोक सकते हैं, उसे क्यों होता है, वो सब आज मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, जर्मन शेफर्ड एक काफ़ी अच्छा गार्ड डॉग होता है, वो काफ़ी अच्छा फैमिली डॉग भी होता है। तो क्यों उसके साथ ये सब होता है कि पैर उसका टेढ़ा हो जाता है एकदम ऐसा, कभी पूरा टेढ़ा हो जाता है, कभी उसको व्हील चेयर लगाना पड़ता है पीछे की तरफ, वह सब क्यों होता है, तो इस सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में इसका कैसे लेग बेंडिंग हो चुका है। दोस्तों जर्मन शेफर्ड का लेग बेंडिंग का प्रॉब्लम इसीलिए आता है क्योंकि जो आजकल के घर हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर मार्बल या फिर टाइल्स का घर आ रहा है, इसीलिए जो जर्मन शेफर्ड है उसका जो पीछे की तरफ पैर है वो ठीक से अपना जो वेट है वो ठीक से अगेन नहीं कर पा रहा है टाइल्स के घर के ऊपर, इसीलिए दोस्तों उसका लेग बेंडिंग का प्रॉब्लम आता है। दोस्तों ये 1.5 साल तक आपको ठीक से रखना पड़ेगा उसको, ताकि उसको लेग बेंडिंग का प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आपके घर में जहाँ पे आप पप्पी को रख रहे हैं जर्मन शेफर्ड का, वहाँ काफ़ी रफ जगह पे रखिए जहाँ पे उसका पैर ठीक से बैठे, चाहे तो आप उस जगह पे न्यूज़पेपर या फिर मैट रख सकते हैं उसको रखने के लिए, ताकि पैर जो है उसका पीछे का पैर है उसे ठीक से बैठ जाए, ताकि उसका प्रॉब्लम ना आए लेग बेंडिंग के। अगर एक बार वो आ गया प्रॉब्लम तो उसको हटाने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा आपको, उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, उसको एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल होगा आपको उसको हटाने के लिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप जब पप्पी को ले आए तभी उसको छोटे से ही, जब वो छोटा रहेगा 1 मंथ का या फिर 45 डेज का, तब से ही उसको काफ़ी रफ जगह पर रखिए, काफ़ी रफ जगह पर रखिए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए बड़े होने के बाद, जो लेग बेंडिंग आता है उसको ना आए। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो को देखने को बोल रहा हूँ और लाइक करने को बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और लाइक कीजिए। ये सब रोकने के लिए अपने डॉक्टर से काफ़ी बातें पूछ सकते हैं, इसको कौन सा कैल्शियम देना चाहिए, जैसे कि HD बीफर वगैरह वगैरह टैबलेट आता है डॉग्स के लिए, जो कि उसको कैल्शियम, उसको जो बोन है उसको काफ़ी मजबूत करेगा और काफ़ी शक्तिशाली बना देगा। तो दोस्तों चलिए।